Namaskar and pranam to all of you again i am coming back to my channel asit Governmental guru today i will discuss national pension system or new pension scheme it is the latest one it would be very useful for new recruits and it gives immense strength to them also it would be very useful for others for different exams and also useful for viva exam so please my friends go through it till the end and you can get latest information about national pension system or national pension scheme please my friends like share and comment my video so definitely according to your comment in subsequent time in postering time i will modify in my video so your comment is very essential one so it is latest latest one and uh, already it is uh, modified up to month of may 2022 so now i am going to discuss national pension system or new pension scheme very concisely i will discuss so first of all introduction of national pension system so in introduction the central government has introduced the national pension system with effect from january 1 2004 except for armed forces so it would be very useful one you see national pension system वॉज इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी वन टू थाउजेंड फोर इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन मिल गया एक्सेप्ट फॉर आर्म आर्म्ड फोर्सेस अभी भी जो आर्म फोर्सेस है उनके लिए वो ओल्ड पेंशन स्कीम जो 1972 था अभी ओल्ड पेंशन स्कीम 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन डिसम्बर में ओल्ड पेंशन स्कीम ऑलरेडी इनामेंडेड वर्सन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लरिड So, except for armed forces, national pension system or new pension scheme effect from January 1, 2004. So, it is very important one except for armed forces and date you mentioned. NPS was made available to all citizens of India from May 1, 2009. In case of May 1, 2009. NPS was available for all citizens you know that uh, for government employees central government employees state government employees for corporate sector also for employees nps available and also privately any individual also can invest money in nps scheme and also after 60 they will get pension सो इट वॉज मेड अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रॉम मे वन टू थाउजेंड नाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आपको मिल सकता है नेक्स्ट चलेंगे नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेटेड बाय पी एफ आर डी ए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्चुअली जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसको रेगुलेट पी एफ आर डी ए कर रहा है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ज एन इम्पोर्टेंट माइल स्टोन इन द डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल एंड एफिशियंट वॉल्यूंटरी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन सिस्टम इन इंडिया सो यहां पर एक क्वेश्चन में ऑन्डरलाइन कर दिया पी एफ आर डी ए अभी एनपीएस को रेगुलेट कर रहा है राइट right? ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में आ गया यहां पर भी आपको दो तीन क्वेश्चन मिल सकता है नेक्स्ट चलेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एन पी एस फर्स्ट वन प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम यहां पर यह तो मे वन टू थाउजेंड नाइन से सभी के लिए यह अवेलेबल है सो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयिज के ऊपर में जाऊंगा तो आफ्टर सुपर अनुमेसन आफ्टर रिटायरमेंट आउट ऑफ लॉम सम अमाउंट आउट ऑफ टोटल एकोमोलेटेड मनी फोर्टी परसेंट मस्ट इन्वेस्ट ऑन इक्विटी सेयर्स, अनुटी पेंशन सर्विस प्रोवाइडर्स यू नो द एंप्लॉज आउट ऑफ द एकोमुलेटेड फंड सिक्सटी परसेंट यू नो फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉज आफ्टर सुपर अनुसन रिटायरमेंट के बाद सिक्सटी परसेंट जो है उसको हम विथड्रॉ कर सकते हैं सिक्सटी परसेंट से ज्यादा नहीं अपटू सिक्सटी परसेंट हम विथड्रॉ कर सकते हैं और जो फोर्टी परसेंट होगा वो इक्विटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और उसके ऊपर हमको पेंशन मिलेगा ठीक है तो अभी जो आ, रूल है यही है सिक्सटी परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे जो एकमोलेटेड अमाउंट ऑफ मनी है और उसका फोर्टी परसेंट हम इक्विटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और हमको पेंशन मिलेगा तो प्रोवाइड ओल्ड एज इनकम सिमिलरली कोई भी सिटीजन Uh, यदि एन में इन्वेस्ट करता है तो सिक्सटी ईयर्स के बाद उसको पेंशन मिलता है रीजनेबल मार्केट बेस्ड रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट है ना बेसिकली मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है यदि इक्विटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा कि गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्ट होगा कि कॉर्पोरेट डेब्ट के ऊपर इन्वेस्ट होगा तो वहाँ पर मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा ओके जो बेसिकली शेयर मार्केट में मार्केट कंडीशन अच्छा है तो अच्छा रिटर्न आएगा मार्केट कंडीशन खराब है तो कम रिटर्न आएगा एक्सटेंडिंग ओल्ड एज सिक्योरिटी कवरेज टू ऑल सिटीजन और थर्ड वन जो है ऑब्जेक्टिव ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बेसिकली कॉमनली जैसे ओल्ड पेंशन सिस्टम था अभी जो जनवरी वन टू थाउजेंड फोर के बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में उनको जॉब मिल रहा है उनके लिए एन सिस्टम है राइट right? तो सिक्सटी एज के बाद तो अभी मैं बताया था कि जो भी एकोमलेटेड सम है उसका 60 परसेंट हम विथड्रॉ कर सकते हैं अप टू 60 परसेंट और बाकी जो 40 परसेंट रहेगा वो अनोटिस शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और हमको पेंशन मिलेगा तो ये ओल्ड एज सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है तीन ऑब्जेक्टिव को जो थ्री ऑब्जेक्टिव्स है आपको रिम्बर करना है चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी क्रा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ फॉर एनपीएस अपॉइंटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटियन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी फॉर नेशनल पेंशन सिस्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो आपको रिमेंबर करना है ये जो है प्रोटीएन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी पी एफ आर डी ए ने अपॉइंट किया है प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ई भी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड आज सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है नेशनल पेंशन सिस्टम यू नो दैट जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है उसका जो मेन फंक्शन है बेसिकली प्रिजर्विंग द डाटा ऑफ द सब्सक्राइबर्स जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं और जो हमारा टेन परसेंट कंट्रीब्यूशन है जो गवर्नमेंट फोटीन परसेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है पूरा डाटा क्रा ही मेंटेन करता है उनको ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी भेजता है मंथली राइट right? और कस्टमर uh, सर्विस भी देता है कोई भी हम प्रॉब्लम है तो इमीडिएटली वी कंसल्ट विद द कस्टमर केयर सर्विस सपोज वन वी आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम ओके वो भी कस्टमर सर्विस भी क्रा के अंडर आता है प्रिजर्वेशन ऑफ डाटा और कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है वो क्राक अंडर में है तो ये जो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है अभी वो प्रोटियन ई जी ओ वी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के पास है पी एफ आर डी ए ने ये संस्था को दिया है ओके ये जो आ, प्राइवेट बेसिकली टेक् प्रोटियन ई जी ओ वी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को दिया है वो क्रा का रोल प्ले कर रहा है राइट चलो नेक्स्ट पार्ट परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर जो प्रान नंबर है क्रासू ए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर टू सब्सक्राइबर एंड मेंच परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इच प्रान यहां पर आपको एक परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर हमारा आ जाता है तो वो क्रा इसको इश्यू करता है एक बार जब इश्यू होता है यहां पर एक क्वेश्चन सवाल है क्या जो न्यू रिक्विट है जो न्यू अपॉइंट है वो उनका कंट्रीब्यूशन कब डिपोजिट होगा जब प्राण इशू हो जाएगा चाहे कार्ड हमको नहीं मिला है टिल नाउ यू हैव नॉट रिसीव्ड कार्ड ठीक है मगर हमारा प्राण इशू हो चुका है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर इशू हो चुका है तो इस केस में वंस प्राण इशू हो जाएगा मीन्स जो कंसर्न एम्प्लॉई है उसका सैलरी से टेन परसेंट डेबिट हो जाएगा और वैसे ही जो एम्प्लॉयर जो बेसिकली गवर्नमेंट uh, के बारे में बता रहा हूँ गवर्नमेंट फोर्टीन परसेंट कंट्रीब्यूट करेगा चाहे हमको कार्ड मिला है कि नहीं बाद में कार्ड मिलेगा मगर वंस आपको रिमेंबर करना है वंस प्रान इश्यू हो जाएगा मीन्स हमारा सैलरी से टेन परसेंट डेबिट होगा और वैसा ही फोर्टीन परसेंट जो है वो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगा वी नो दैट जो हमारा जो टेन परसेंट डेडक्ट होता है ना वो बेसिक प्लस डी हमारा जो बेसिक पे है उसके ऊपर जो डी मिलता है ठीक है बेसिक पे प्लस डी और यदि मेडिकल केस में बेसिकली जो डॉक्टर्स केस में नॉन प्रैक्टाइजिंग एलोन्स एन पी ए वो भी आड़ होता है तो बेसिक पे प्लस डी ए प्लस एन पी ए ठीक है ये तीनों को याद रखना है बेसिकली बेसिक पे प्लस डी ए प्लस एन पी ए नॉन प्रैक्टाइजिंग एलोन्स जनरली ये सभी के लिए नहीं है जो नॉन प्रैक्टाइजिंग एलोन्स है वो बेसिकली डॉक्टर्स uh, के लिए है एन पी ए के लिए जो भी मेडिकल uh, पोस्ट में है उनके लिए अदरवाइज जनरली हमारे लिए बीपी प्लस डी बेसिक पे प्लस डी उसके हमारा हमारा जो टेन परसेंट डिडक्ट होता है हमारा सैलरी से और फोर्टीन परसेंट बेसिकली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है राइट right? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चलो नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ क्रा अभी मैं डिस्कस किया था तो इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ क्रा फर्स्ट वन रिकॉर्ड कीपिंग जो भी रिकॉर्ड है बेसिकली हम जो ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं हमारा डिटेल्स हम बैंक डिटेल्स दिए हैं नोमिनी डिटेल्स दिए हैं हमारा एड्रेस डिटेल्स दिए हैं तो जो भी हमारा डिटेल्स है वो क्राक के पास है सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी के पास है तो उसको वो मेंटेन करता है एडमिनिस्ट्रेशन ओके पूरा कोई भी हम सपोज चेंज करना चाहते हैं तो तभी हम ऑनलाइन में रिक्वेस्ट करेंगे और फिजिकली हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो हमारा जो नोडल ऑफिस है वो क्रा को भेजेगा और क्रा, क्रा उसको क्रास क्या करेगा जो भी हमारा चेंजेस है वो क्रा ही करेगा कस्टमर सर्विस कभी कभी वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम वी नीड सम इंफॉर्मेशन वी वॉन्ट टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन देन वी कंसल्ट विद द कस्टमर केयर सर्विस ओके ऑफ एन एस डी एल क्रा तो इस केस में जो कस्टमर सर्विस भी वो क्रा के अंडर आता है तो ये थ्री फंक्शंस आपको रिमेंबर करना है राइट right? चलो ठीक है नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे पी एफ आर डी एंड एनपीएसटी ये दोनों का रोल क्या है जो पी एफ आर डी ए है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वो एक्चुअली नेशनल पेंशन सिस्टम को रेगुलेट करता है राइट right? तो एनपीएस इज रेगुलेटेड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है राइट right? इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है नेक्स्ट वन जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट जो एन है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट उसका मेन कार्य क्या है एस्टेब्लिश बाय पी एफ ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है एन है उसको भी पी एफ आर डी ने एस्टाब्लिश किया है और इट इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल एसेड्स अंडर एन पी अंडर में जो भी आसेड है ठीक है उसको उसका ओनर कौन है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट इट तो ये दोनों का फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर दो चीज आपको रिमेंबर करना है पीएफआरडीए नेशनल पेंशन सिस्टम को कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है और जो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट है एक्चुअली इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय पीएफआरडीए एंड मेन फंक्शन इज इट इज द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ ऑल असेट्स अंडर एनपीएस ये दो चीज को याद रखना है पी एफ उनका रोल क्या है ठीक है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे अभी देखेंगे ज्वाइन एन जो एज क्या है एनी इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 65 फाइव ईयर्स आज ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एन पी एस एप्लीकेशन कैन जॉइन एन तो अभी तो सभी के लिए जो एन सिस्टम है वो लागू है ठीक है मे वन टू से बल फॉर ऑल सिटीजन तो एज ग्रुप है एटीन टू जो लेंगे जिस डेट में हम एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसी डेट में हम इसी एज के रेंज में रहना चाहिए ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एटीन टू सिक्स ओके आज अंदर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एनपीएस एप्लीकेशन कैन ज्वाइन एनपीएस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको थोड़ा आपको ध्यान देना है राइट ठीक है बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स ओके दे आर एलिजिबल फॉर एनपीएस ओके नेशनल पेंशन सिस्टम और दे आर एलिजिबल फॉर न्यू पेंशन स्कीम राइट चलो ये तो हो गया अभी देखेंगे ओपन मल्टीपल अकाउंट ओपन मल्टीपल अकाउंट इज नॉट अलाउड इन एनपीएस मल्टीपल अकाउंट नहीं होगा ओके एवरी सिटीजन का एक ही अकाउंट रहेगा ओके मोर देन वन अकाउंट नहीं रहेगा सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जब एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई सपोज वो हायर पोस्ट में स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है उसका एन तो ट्रांसफर होगा और डेफिनेटली उसका जो बेसिकली नोडल ऑफिस है वो चेंज होगा ठीक है और डीडीओ uh, चेंज होगा ये सब चेंज होगा मगर उसका जो प्रान नंबर है ना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर उसमें कोई चेंज नहीं होगा वही वही अकाउंट रहेगा अब चाहे जितना भी जॉब चेंज कर लो वही अकाउंट रहेगा भाई प्राण नंबर रहेगा आप एक से ज्यादा प्राण नंबर क्रिएट नहीं कर सकते सपोज आप टायर टू अकाउंट में मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो वही अकाउंट नंबर तो इसके लिए मल्टीपल अकाउंट ओपन नहीं होगा एक सिटीजन का एक ही ओके okay, अकाउंट होगा और एक ही प्रान नंबर होगा तो वहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया ओपनिंग मल्टीपल एनपीएस अकाउंट्स फॉर एन इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड अंडर एनपीएस ओके हैवर एन इंडिविजुअल कैन हैव वन अकाउंट इन एन पी एस एंड अनदर अकाउंट इन अटल पेंशन योजना तो आपका एक अकाउंट एन पी एस में रहेगा तो अनदर अकाउंट अटल पेंशन योजना वो डिफरेंट पेंशन स्कीम है उसमें रहेगा तो so, आपको याद रखना है कि जब भी आपका एन पी एस में एक अकाउंट है वही अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो so, अभी जो हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है बेसिकली uh, हमारा जो कंट्रीब्यूशन टेन परसेंट है गवर्नमेंट फोर्टीन परसेंट दे रहा है और अदर केस में हम भी टैक्स बेनिफिट के लिए हम भी फिफ्टी थाउजेंड ऑफ इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेटली हम खुद कर सकते हैं ओके okay, हमारा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन छोड़ दो फिर भी हम फिफ्टी थाउजेंड कर सकते हैं क्योंकि एटी सी सी डी वन बी में उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलता है ठीक है तो एट्टी सी सी डी वन जो है क्लियर एटी सी सी डी वन हमारा कंट्रीब्यूशन है ओके okay, वो एक्चुअली जो एट्टी सी के अंडर वन पॉइंट फाइव लाख जो हमारा टैक्स एग्जन होता है ए में उसमें आ जाता है तो जो उसके बाद 1.5 पॉइंट लाख के बाद 1.5 पॉइंट लाख में क्या हुआ ATC, उसको मैं डिस्कस करूंगा आगे में टैक्स बेनिफिट क्या क्या मिलेगा हम डिस्कस करेंगे मगर यहां पर याद रखना है कि हमारा एक ही अकाउंट होगा आप चाहे सपोज दिमसेल फॉर हॉरसेल फॉर सो इन्वेस्ट मनी प्राइवेटली तो वही सेम अकाउंट नंबर होगा ओके एक से ज्यादा प्राण नंबर नहीं होगा चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे कैन आई ओपन ज्वाइंट अकाउंट विथ माई स्पाउस चिल्ड्रेन रिलेटिव एक्सेट्रा तो यहां पर जो है अकाउंट अलाउ नहीं है इस केस में एनपीएस केस में जो न्यू पेंशन स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा जैसे हमारा स्पाउस के साथ जैसे बैंक अकाउंट में हमारा ज्वाइंट अकाउंट होता है चाहे स्पाउस चाहे चिल्ड्रेन चाहे रिलेटिव उनके साथ हमारा ज्वाइंट अकाउंट मगर इसमें अलाउ नहीं है ज्वाइंट अकाउंट नहीं होगा नो एनपीएस अकाउंट कैन बी ओपन जुअल कैपेसिटी राइट ओनली इन इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड कैन नॉट बी ओपन फॉर ऑपरेटेड ज्वाइंटलीउंट नहीं होगा यह बहुत इंपॉर्टेंट है उसको रिमेम्बर करना है चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे इंफॉर्मेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो पहले डिफॉल्ट स्कीम था पहले जो कंसर्न एम्प्लॉइज बिफोर अप्रिल वन टू थाउजेंड नाइनटीन आपको याद रखना है बिफोर अप्रिल वन टू थाउजेंड नाइनटीन जो बेसिकली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पास वो ऑप्शन नहीं था कि हम चूज करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम चूज करेंगे ये नहीं था मगर अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद अभी जो न्यू uh, एम्प्लॉयज अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो उनके पास ऑप्शन है वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं राइट right? तो उस, उसको देखेंगे द सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सक्राइबर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन राइट अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन हैव द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द पेंशन फंड एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न इन देअर टायर वन अकाउंट ओके तो अभी हम चूज कर सकते हैं पेंशन फंड बेसिकली हमारा हिसाब से हम देखेंगे आगे में देखेंगे क्या क्या हमारे लिए ऑप्शन है मगर हम चूज कर सकते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हम चूज कर सकते हैं अप्रिल वन टू थाउजेंड नाइनटीन बट बिफोर अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन ये ऑप्शन नहीं था ओके नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे द चॉइस इज नॉट एक्सरसाइज यदि आप कुछ चॉइस नहीं किया इफ द चॉइस इज नॉट एक्सरसाइज द सब्सक्राइबर एनपीएस कंट्रीब्यूशन शुड बी इन्वेस्टेड इन द एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट स्कीम्स एग्जिस्टिंग जो भी डिफॉल्ट डिफॉल्टीम्स है थ्री पेंशन फंड मैनेजर्स आपको याद रखना है जो पेंशन फंड मैनेजर्स है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए मेनली थ्री पेंशन फंड मैनेजर्स है एक एल आईसी पेंशन फंड लिमिटेड एसबीआई पेंशन फंड प्राइवेट लिमिटेड एंड यू टी आई रिटायरमेंट सोल्यूशन लिमिटेड प्रोपोर्सन ऑटोमेटिकली क्या प्रोपोर्सन प्री डिफाइंड है राइट right? तो फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉज एल आईसी पेंशन फंड एस बी आई पेंशन फंड एंड यू टी आई रिटायरमेंट सोल्यूशन आपको याद रखना है यदि हम कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं चूज करेंगे तो ये डिफॉल्ट ऑप्शन में ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड प्रोपोर्सन में ये जो तीनों पेंशन फंड है, है ना उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा एल आई सी एस बी आई एंड यूटीआई में तो हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो राइट right? अच्छा नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे द सब्सक्राइबर कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट स्कीम आज मैं बिलो हम देखेंगे क्या क्या स्कीम हमारे लिए है अभी तो मैं बताया डिफॉल्ट स्कीम यदि हम कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे ऐसा कोई ऑप्शन चूज नहीं करेंगे तो उसको डिफॉल्ट स्कीम कहा जाएगा क्योंकि हम ऑप्शन चूज नहीं किया तो ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड प्रोपर्सन में जो थ्री पेंशन फंड मैनेजर सभी में बताया अभी एस बी आई एल आई सी एंड यू टी आई में प्री डिफाइंड प्रोपर्सन में इन्वेस्ट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट वुड बी डॉन इन डिफॉल्ट स्कीम ऑफ एल आई सी यू टी आई एंड एस बी आई इन ए प्री डिफाइंड प्रोपर्सन और नेक्स्ट वन जो स्कीम है अभी ऑप्शन आ जाएगा हमारे लिए स्कीम जी को आप प्रीफर करोगे तो हंड्रेड परसेंट कंट्रीब्यूशन सैल बी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसको याद रखना है बेसिकली गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो स्कीम जी है ना जी रिलेटेड टू गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो आपका जो हंड्रेड परसेंट कंट्रीब्यूशन है साल भी इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होगा स्कीम जी में आप इसको चूज करोगे तो हंड्रेड परसेंट कंट्रीब्यूशन इन्वेस्टेड इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स गॉन्डस जी दे दिया गया नेक्स्ट देखेंगे स्कीम एलसी फिफ्टी ये जो लाइफ साइकिल फंड हो या द कैप टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज फिफ्टी परसेंट आपको याद रखना है यहां इस ये स्कीम को आप चूज करोगे तो आप बेसिकली आपका इक्विटी शेयर के ऊपर फिफ्टी परसेंट इन्वेस्ट होगा आपको याद रखना है कि तीनों में इन्वेस्ट होता है जो इक्विटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होता है वो ज्यादा मार्केट रिस्क है आपको ज्यादा रिटर्न देगा मगर आप वो भी ज्यादा रिस्क है इसको बोलते हैं वो बो जो जो ऑप्शन आता आता है e आता है ई ये स्कीम में इक्विटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट होगा ई सी जी तीनों है अभी तो जी के बारे में बताया गवर्नमेंट बॉन्ड जो फर्स्ट स्कीम था ना ठीक है स्कीम जी वो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर था हंड्रेड परसेंट वो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इन्वेस्ट होगा और यहां पर जो एलसी फिफ्टी है बेसिकली फिफ्टी परसेंट इन्वेस्ट होगा इक्विटी शेयर्स के ऊपर और इक्विटी शेयर्स बहुत ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि उसमें ज्यादा रिटर्न मिलेगा और रिटर्न भी कम मिल सकता है क्योंकि मार्केट कंडीशन सपोज मार्केट में एडवर्स कंडीशन होगा तो वहां पर इक्विटी uh, शेयर के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जो रिटर्न आएगा कम आएगा तो यहां पर जो एलसी फिफ्टी है थर्टी फाइव हो होने के बाद धीरे 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 कम होता जाएगा क्योंकि बेसिकली फर्स्ट इन्वेस्ट होगा पर ये जो स्कीम में आप इन्वेस्ट इन्वेस्ट करोगे तो इक्विटी शेयर के ऊपर होगा जो अदर फिफ्टी परसेंट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर होगा कि कॉर्पोरेट डेप्ट के ऊपर होगा वो जो गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉर्पोरेट डेप्ट है उसके ऊपर जो इन्वेस्ट होगा उसमें रिस्क कम है तो जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा

लाइफ साइकिल फंड वेयर द कैप टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज ट्वेंटी फाइव परसेंट इटमीन्स जब यह स्कीम को आप चूज करोगे जो ट्वेंटी फाइव परसेंट जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका ट्वेंटी फाइव परसेंट इन्वेस्ट होगा इक्विटी शेयर्स के ऊपर अदर सेवेंटी फाइव परसेंट किस में इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर और कॉर्पोरेट डेप्ट के ऊपर मगर वैसे ही जब धीरे धीरे आपका एज बढ़ता जाएगा तो इसमें जो 20 परसेंट है वो धीरे धीरे कम होकर 55 के बाद वो 5 परसेंट हो जाएगा क्योंकि इक्विटी शेयर के ऊपर ज्यादा रिस्की होता है जब मार्केट कंडीशन अच्छा है तब तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा जब मार्केट कंडीशन खराब है तो आपको कम रिटर्न मिलेगा तो आपको याद आया तो बेसिकली इक्विटी शेयर के ऊपर ज्यादा रिस्क है तो धीरे धीरे जब ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे इक्विटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कम होता जाएगा और जो गवर्नमेंट बॉन्ड है और जो कॉर्पोरेट डेप्ट है उसके ऊपर क्या होगा ज्यादा इन्वेस्ट होगा तो ये तीनों बेसिकली एक डिफॉल्ट स्कीम आप कोई स्कीम चूज नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली आप डिफॉल्ट में आ जाओगे जो एल आई सी एस बी आई और यू टी आई में प्री डिफाइंड प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट होगा अदरवाइज जो ये तीनों तीनों स्कीम बताया एक है स्कीम जी हंड्रेड परसेंट इन्वेस्ट होगा गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर एल सी फिफ्टी में फिफ्टी परसेंट इन्वेस्ट होगा इक्विटी शेयर्स के ऊपर और अदर फिफ्टी परसेंट वो चला जाएगा गवर्नमेंट बॉन्ड और कॉरपोरेट डेप्ट के ऊपर मगर आपको याद रखना है जब एड एज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे इक्विटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट कम होता जाएगा और गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉरपोरेट जो है उसके ऊपर इन्वेस्ट ज़्यादा होगा एल सी ट्वेंटी फाइव जो थर्ड ऑप्शन है इसको आप चूज करोगे तो उसमें क्या होगा ना इनिशियली ट्वेंटी जो कंट्रीब्यूशन है इन्वेस्ट होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन इन्वेस्ट ऑन इक्विटी शेयर्स और अदर जो सेवेंटी फाइव परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड एंड कॉर्पोरेट डेप्ट के ऊपर होगा तो धीरे धीरे आपका एज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे इक्विटी शेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट कम होता जाएगा और फिफ्टी फाइव के बाद वो फाइव परसेंट हो जाएगा तो इसीलिए मैं यहां पर मैंशन किया जो जी सीई गवर्नमेंट बॉन्ड कॉर्पोरेट डेप्ट एंड इक्विटी ये तीनों के ऊपर इन्वेस्टमेंट होता है ठीक है तो आपको ये स्कीम याद रखना है और ईयरली आपको टू टाइम्स एक्चुअली चेंज करना है जो जो रूल है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज किया ना उसको चेंज कर सकते हो ईयरली ट्वाइस इसको चेंज कर सकते हो ठीक है तो ये ऑप्शन हमको मिला अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद जो कंसर्न एम्प्लॉज है वो चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ठीक है पहले नहीं था और ईयरली हम कितने इसको भी चेंज कर सकते हैं ईयरली च्वाइस हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चेंज कर सकते हैं आगे में वो भी है hey, uh, मेरा जो uh, जो आगे में डिस्कस करूंगा ठीक है तो चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे कंट्रीब्यूशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर द न्यू कमर्स कैसे कंट्रीब्यूट हम करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉ टेन परसेंट ऑफ सैलरी सैलरी मीन्स आपका बेसिक पे डी और एनपीए जो नॉन प्रैक्टाइजिंग एलोयस है एनपीए नॉन प्रैक्टाइजिंग एलोयस ओके ये हमारे लिए नहीं है बेसिकली मेडिकल पर्सनल्स के लिए है ओके okay, एनपीए जो है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलोयंस, राइट ये ये हमारे लिए नहीं है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलोयंस, ये बेसिकली किसके लिए है ना मेडिकल पर्सनल के लिए है तो हमारे लिए बेसिकली आप जो सैलरी लेना है बेसिक प्लस डीए, उसका टेन परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और अभी जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा फोर्टीन परसेंट होगा फोर्टीन परसेंट ऑफ सैलरी क्योंकि आप जानते हो अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद पहले बिफोर बिफोर अप्रैल वन इसको भी आपको याद रखना है बिफोर अप्रैल वन ओके अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन बिफोर ऑफ इट एक्चुअली दोनों का टेन परसेंट हमारा कंट्रीब्यूशन था गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टेन परसेंट था मगर अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद वो हाइक होकर फोर्टीन परसेंट हो गया तो हमारा जो अभी कंट्रीब्यूशन है टेन परसेंट है और जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो 14% है और जो हमारा जो जो कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट होता है बेसिकली बेसिक पे प्लस डीए और मेडिकल पर्सनल्स के लिए एनपीए वहाँ पर ऐड होगा राइट और एक मजा बात है जो ग्रॉस सैलरी आपको मिलता है ना जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है वो इंक्लूड होगा ग्रॉस सैलरी में गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इंक्लूड होगा जो आपका ग्रॉस सैलरी मिलता है आप आपका पे स्लिप देख लीजिए जो बेसिकली आपको ग्रॉस सैलरी जो टोटल सैलरी मिल रहा है जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है फोर्टी परसेंट ऑफ जो गवर्नमेंट दे रहा है वो भी इंक्लूड होगा ग्रॉस सैलरी में राइट right? चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्सियल विथ ड्रॉल अंडर एनपीएस क्या हमारा जो नेशनल पेंशन सिस्टम है और ये जो न्यू पेंशन स्कीम है क्या हम पार्सियली विथड्रॉ कर सकते हैं हाँ पार्शियली विथड्रॉ हम कर सकते हैं कैसे कंडीशन देख लीजिए तो आपका मिनिमम सर्विस थ्री ईयर्स होना चाहिए थ्री इयर्स ज्वाइनिंग के बाद थ्री इयर्स जॉब कंप्लीट होना चाहिए तब आपको पार्सियल विथड्रॉल फैसिलिटी मिलेगा और जो सेकेंड है यह तो हो गया फर्स्ट ऑप्शन क्लियर हो गया सेकेंड ऑप्शन है जो बेसिकली हम विथड्रॉ करेंगे हमको पूरा सर्विस पीरियड में थ्री टाइम्स हम विथड्रॉ कर सकते हैं जो पार्सियल विथड्रॉल होगा सर्विस कैरियर में थ्री टाइम्स होगा सो इच टाइम में हमारा कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन नहीं ओनली आवर ओन कंट्रीब्यूशन ओन कंट्रीब्यूशन में बोला था एवरी मंथ में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है ना सैलरी का टेन परसेंट सैलरी क्या होगा बेसिक प्लस डी तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट हम एक्चुअली पूरा सर्विस कैरियर में हम तीन बार विथड्रॉल कर सकते हैं तो ईच टाइम हम जो विथड्रॉ करेंगे मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे तो मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट मीनस हमारा कंट्रीब्यूशन से ठीक है तो हमारा कंट्रीब्यूशन से हम मैक्सिमम 25 परसेंट को विथड्रॉ कर सकते हैं तो क्लियर हो गया तो सेकंड ऑप्शन विथ ड्रॉल अमाउंट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय सब्सक्राइबर तो हमारा कंट्रीब्यूशन ओनली जो कंसर्न एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन है ईच टाइम में तो मैक्सिमम ट्वेंटी ओके विथड्रॉल होगा राइट right? और पूरा सर्विस कैरियर में थ्री टाइम्स विथड्रॉल होगा यह पूरा दे दिया देखिए विथ कैन बी डन मैक्सिमम ऑफ थ्री टाइम्स ड्यूरिंग द एंटायर ऑफ टेन्य सब्सक्रिप्शन एंटायर टेन्यूर में जो पार्सियल विथड्रॉल फैसिलिटी मिलेगा थ्री टाइम्स मिलेगा नेक्स्ट वन जो ये जो विथड्रॉल है कुछ रीजन्स हमको देना है ऑथेंटिक रीजन्स देना है कि इसके लिए मैं विथड्रॉ करना चाहता हूं तो वो रीजन को थोड़ा देखेंगे तो रॉल इज अलाउड ओनली अगेनेस्ट द स्पेसिफाइड रीजन सच आज स्पेसिफाइड रीजन ये है हायर एजुकेशन हायर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रेन मैरिज ऑफ चिल्ड्रेन फॉर द पॉर्चेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस फॉर सब्सक्राइबर स्पाउस चिल्ड्रेन टू मीट मेडिकल and incidental expenses arising out of the disability or incapacitation suffered by the subscriber or for skill development ओके और रीस स्किलिंग और एनी अदर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो ये परपोज है जब हम पार्सियल विथड्रॉल करेंगे ना उसमें हमको एक रीजन देना है ओके okay, क्यों हम पार्सियल विथड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी भाई भाव में चले जाइए और एग्जाम में कॉमन एग्जाम में ये पूछता है तो आपको याद रखना है पूरा टोटल सर्विस कैरियर में हम थ्री टाइम्स पार्सियल विथड्रॉल फैसिलिटी हमको मिलेगा और ज्वाइनिंग डेट से ठीक है फ्रॉम ज्वाइनिंग डेट से थ्री ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए थ्री इयर्स कंप्लीट होने के बाद हमारा थ्री इयर्स जब कंप्लीट होने के बाद वी आर एंटाइटल फॉर पार्सियल विथड्रॉल फैसिलिटी और ईच uh, टाइम जो हम विथड्रॉ करेंगे तो बेसिकली हमारा ही कंट्रीब्यूशन जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन उसको टच नहीं करेंगे जो हमारा कंट्रीब्यूशन है उसका मैक्सिमम ट्वेंटी हम विथड्रॉ कर सकते हैं ईच टाइम में ठीक है और कुछ रीजन्स हमको ये जो रीजन्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि कोई पूछ सकता है आपको सपोज भाई बह में पूछ सकते हैं फॉर वाट रीजन एक्चुअली इट मीनस यू कैन गेट पार्सियल विथड्रॉल फैसिलिटी अंडर द एन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसी रीजन से हम पार्सियल विथड्रॉल करेंगे तो चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो पार्सियल विथड्रॉल है उसका रिक्वेस्ट हम कैसे भेजेंगे क्या थ्रू uh, ऑनलाइन हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं पार्सियल विथड्रॉल के लिए हाँ ऑनलाइन में हम कर सकते हैं तो ये स्टेप्स थोड़ा मैं बताना चाहता हूँ हाउ कैन द पार्सियल विथड्रॉल बी प्रोसेस्ड बाय सब्सक्राइबर व्हाट इज द प्रोसेस फॉर पार्सियल विथड्रॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओके okay, जो पार्सियल विथड्रॉल आप करना चाहते हो तो उसका प्रोसेस क्या है तो उसका ऑनलाइन प्रोसेस क्या है आप घर में बैठ थ्रू ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो पार्सियल विथड्रॉल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके okay, तो जिस डे में आप उसको सबमिट करते हो आ, उस डे से फोर डेज के अंदर आ, वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट जो आप दिया है एन में जो बैंक अकाउंट दिया है उसमें जमा हो जाएगा ठीक है उसको देखेंगे आगे में आज पर पी एफ आर डी ए गाइडलाइंस दब्सक्राइबर्स हैल्फ डिक्लेन एंड नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए मगर जब ऑनलाइन में आप रिक्वेस्ट करते हो उसमें एक रीजन देना है ऑथेंटिक रीजन देना है क्योंकि उसको क्रा वेरीफाई करेगा सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी उसको वेरीफाई करेगा तो मैं अभी जो बताया जो रीजन है चाहे एजुकेशन चाहे मैरिज चाहे कोई इलनेस चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ये जो पर्पोज है चाहे फॉर स्किल डेवलपमेंट ये जो रीजन है आपको एक ऑथेंटिक रीजन देना है नहीं तो क्रा उसको रिजेक्ट कर सकता है ठीक है कोई ऐसा कोई कोई डॉक्यूमेंट आपको सबमिट नहीं करना है आर रिक्वेस्ट टू बी सबमिटेड बाय द सब्सक्राइबर फॉर अवेलिंग पार्सियल द सब्सक्राइबर विल फॉलो बिलो स्टेप्स अभी वो स्टेप्स को हम देखेंगे कि क्या स्टेप है कैसे हम ऑनलाइन में इट मीन रिक्वेस्ट देंगे ओके okay. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा उसके ऊपर देखेंगे अभी देखिए फर्स्ट वन सब्सक्राइबर विल इनिशिएट ऑनलाइन पर्सियल विथ रिक्वेस्ट इन क्रा सिस्टम ये जाना है वेबसाइट में क्रा एन एस डी एल डॉट कॉम ओके ये वेबसाइट में जाना है आपका बाई लॉगिंग विथ प्राण आज यूजर आई आपका जो प्राण नंबर है वो यूजर आई है और आपका पासवर्ड है आप आज बेसिकली हम एंड्रॉयड फोन में भी रेगुलरली हम देख रहे हैं उसका एक ऐप है नहीं कि प्रान जो हमारा यूजर आई है वो प्रान नंबर है और पासवर्ड तो आपको ये वेबसाइट को जाना है डब्ल्यू सब्सक्राइबर विल सिलेक्ट द विथ ऑप्शन ओके विथ ऑप्शन को जाएंगे अंडर ट्रांजैक्ट ऑनलाइन एक वहां पर ऑप्शन होगा ओके okay, ट्रांजैक्ट ऑनलाइन ट्रांजैक्ट ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और विथड्रॉल ऑप्शन में जाएंगे और विथड्रॉल ऑप्शन के जाने के बाद वहां पर एक आ जाएगा पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम टायर 1 तो पहले हम उसको लॉगिन करेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्ट ऑनलाइन में जाएंगे विथड्रॉल ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर फिर एक सब मेनू आएगा पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम टायर 1 उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली एलिजिबल अमाउंट आ जाएगा क्योंकि हम एक बार जो विथड्रॉ करेंगे ना जो हमारा जो बेसिकली एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन वहां पर जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन हम नहीं लेंगे ओनली एम्प्लॉ का कंट्रीब्यूशन का मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट इच टाइम में हम विथड्रॉ कर सकते हैं तो ये तो एलिजिबल अमाउंट फॉर पार्सियल विथड्रॉल विल बी डिस्प्ले टू द सब्सक्राइबर पूरा डिस्प्ले हो जाएगा ठीक है जो एलिजिबल अमाउंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा सब्सक्राइबर विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड परसेंटेज परसेंटेज आपको देना है जैसे परसेंटेज एक टाइम में मैक्सिमम ट्वेंटी फाइव परसेंट Hey, आपको वही परसेंटेज देना है कितना परसेंटेज चाहे टेन की फिफ्टीन की ट्वेंटी ओके okay, uh, uh, की ट्वेंटी टू की ट्वेंटी थ्री की ट्वेंटी फोर आपको देना है मगर ट्वेंटी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं होगा राइट right? चलो नेक्स्ट स्टेप को देखेंगे ड्यूरिंग रिक्वेस्ट इनिशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप जो बैंक डिटेल्स दिए है ना आपका नेम एंड बैंक डिटेल्स वो सही होना चाहिए ओके okay, बैंक आपका नेम और बैंक अकाउंट का जो नेम होगा वो टैली होना चाहिए

फर्स्ट वेरीफाई करेगा द बैंक ऑफ द सब्सक्राइबर शुड बी बील फॉर ऑनलाइन बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन ओनली इफ नेम एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल यदि आपका नेम एंड बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया देन सब्सक्राइबर विल बी अलाउड टू इनिशिएट पार्सियल विद रिक्वेस्ट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका नेम और जो बैंक डिटेल्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है उसको वो वेरीफाई करेगा कि सही है कि नहीं ये सही होने के बाद ऑटोमेटिकली क्या है ना आ, हमारा पार्सियल विथड्रॉल रिक्वेस्ट इनिशिएट हो जाएगा राइट right? तो देन सब्सक्राइबर विल एक्सेप्ट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर इज इन पर्सियल विथड्रॉल फिर सेल्फ डिक्लेरेशन आपको क्लिक करना है ठीक है और आप विथड्रॉ कर सकते हो सब्सक्राइबर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिक्वेस्ट यूजिंग ओ टीपी ऑथेंटिकेशन और ई साइन ओके आपको यहां पर ऑप्शन देना है ओ टीपी ऑथेंटिकेशन देना है कि ई e साइन देना है इनके सब ऑफ ओटीपी ऑथेंटिकेशन यदि आप ओटीपी ऑथेंटिकेशन देते हो तो दो पासवर्ड आएगा एक आपका मेल में आएगा एक आपका जो रजिस्टर्ड मेल है उसमें आएगा और एक आपका रजिस्टर्ड फोन नंबर में आएगा टू वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंट मेंंबर एंड ई मेल आई डी रजिस्टर्ड इन क्रा जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हुआ है क्रा में और जो आपका मेल आईडी रजिस्टर्ड हुआ है उसमें ओके डिस्टिंग ओ आएगा यदि आप ई e साइन का ऑप्शन दिया है तब ओटीपी आएगा तो ओटीपी विल बी सेंट ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार तो आपका जो बेसिकली uh, आधार जो कार्ड है ना आधार में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी में ओटीपी आएगा ठीक है राइट तो नेक्स्ट वन ऑन सक्सेसफुल सबमिशन रिक्वेस्ट विल गेट एग्जीक्यूटेड इन क्रम कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए मगर वहां पर ऑप्शन दिया जाएगा हम ऑप्शन एक देंगे कौन सा फॉर व्हाट रीजन वी वांट टू मेक पार्शियल विथ मैं इसको बता चुका हूँ देन आर रिक्वेस्ट टू बी सबेड टू एसोसिएट नो नो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आर रिक्वेड टू एसोसिएट नोडल ऑफिस आपका कोई नोडल ऑफिस में डॉक्यूमेंट आपको जमा नहीं करना है ऑल्सो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करना है ओके okay, फिजिकली आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं करना है आप ऑनलाइन में आप कर सकते हो ओके ऑल्सो रिक्वेस्ट इज नॉट रिक्वेड टू भी वेरीफाइड एंड ऑथोराइज बायडल ऑफिस ठीक है नेक्स्ट वन उंट विल बी ट्रांसफर्ड टू सब्सक्राइबर्स अकाउंट ऑन टी प्लस फोर्थ वर्किंग डे टी मीन जिस ऑनलाइन सबमिशन किया, में आप किया okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसके अंदर आपका पैसा आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा हो जाएगा ठीक है टी बिंग डेट ऑफ सब ऑनलाइन रिक्वेस्टिंग क्रासम थ्रू सक्सेसफुल ओ ऑथेंटिकेशन रिसाइन तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मैं तो सबमिशन कर दिया और कि, आ, कितना दिन के अंदर एक्चुअली मेरा बैंक अकाउंट में जमा होगा तो जिस डेट में आप सबमिट किया ऑनलाइन में प्लस फोर्थ डे उसके अंदर आपका जमा हो जाएगा पैसा यदि आपका बैंक डिटेल्स कभी कभी जो न्यू कमर्स है कभी कभी उनका बैंक डिटेल्स में कोई सपोज गलती हो गया सपोज एनी टाइप ऑफ रॉन्ग यू हैव डिटेक्टेड इन योर बैंक अकाउंट ओके इनिशियली जस्ट यू गॉट अपॉइंटमेंट एंड यू सबमिट द फॉर्म इन ऑफिस उस समय कुछ भूल हो गया था आप किया तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है आप फिजिकली फॉर्म एस टू है एक फॉर्म एस टू है आप उसको बेसिकली uh, डाउनलोड कर सकते हो खुद क्रा एन एस डी एल साइट में है तो उसको फिलअप करके पूरा फिर जो करेक्ट बैंक डिटेल्स है उसमें आप दे आप ऑफिस में जमा कर सकते हो और ऑफिस आपका जो नोडल ऑफिस है उसको भेजेगा और नोडल ऑफिस उसको इन्फॉर्म करेगा क्रा को ऑटोमेटिकली अपू हो जाएगा राइट right? तो ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ठीक है तो इसमें हमको हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो पार्शियल विथड्रॉल है ना हम कर सकते हैं ऑनलाइन में ऐसा कोई हम जो हमारा नोडल ऑफिस है कि हमारे एनएसडीएल क्रा को हम कोई भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे और इसमें कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूरत नहीं है राइट right? चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे सब्सक्राइबर एग्जिट फ्रॉम एनपीएस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपन नॉर्मल सुपर अनुएशन आप जानते हो जब रिटायरमेंट के बाद आप जो एनपीएस सिस्टम है न्यू पेंशन स्कीम से आप एग्जिट करना चाहते हो तो यहां पर जो रूल है एटलीस्ट सुपरअशन okay, के बाद रिटायरमेंट एटलीस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द अकोमलेटेड पेंशन वेल्थ ऑफ दब्सक्राइबर है अभी बताया था जो रिटायरमेंट के बाद आपका जो एकोमोलेटेड सम है उसका 60% परसेंट हम विथड्रॉ कर सकते हैं उसका 60% परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे और जो 40% परसेंट होगा ना ये 40% परसेंट क्या होगा ना 40% परसेंट इक्विटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और उसमें हमको पेंशन मिलेगा तो आपको याद रखना है तो हम रिटायरमेंट के बाद मैक्सिमम हमारा जो एकोमोलेटेड वेल्थ है मैक्सिमम सिक्सटी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट हम बेसिकली विथड्रॉ करेंगे ठीक है और मिनिमम फोर्टी परसेंट हमको अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है और उसमें जो रिटर्न आएगा वही हमारा पेंशन है राइट नेक्स्ट वन इन केस ऑफ टोटल कॉर्पस सीनियर अकाउंट यदि आपका अकाउंट में टोटल कॉर्पस फंड है टोटल अकोमोलेटेड जो फंड है इक्वल टू फाइव लाख और लेस यदि आपका टोटल अकोमोलेटेड फंड फाइव लाख और लेस है तो पूरा आप विथड्रॉ कर सकते हो इनकेस द टोटल कर्प इन द अकाउंट इज लेस दैन और इक्वल टू रुपीज फाइव लाख आज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट सब्सक्राइबर ऑफ कंप्लीट विथ्रॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है अदर केस में कंप्लीट विथ्रॉल नहीं होगा मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट विथड्रॉल होगा और फोर्टी परसेंट एनविटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और हमको पेंशन मिलेगा मगर यदि आपका कर्पस फंड इक्वल टू फाइव लाख और लेस है पूरा हम विथड्रॉल कर सकते हैं कंप्लीट विथड्रॉल होगा ये जो अमाउंट फाइव प्लस इसके इसको याद रखना है इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है इसलिए मैं इसको अंडरलाइन कर दिया ठीक है सुपर अन्वेशन के ऊपर क्लियर हो गया नेक्स्ट वन अपन डेथ अपन डेथ केस में क्या होता है ना एटलीस्ट एट्टी परसेंट ऑफ द अकोमुलेटेड पेंशन वेल्थ डेथ यदि कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो जो अकोमुलेटेड वेल्थ है उसका एट्टी आपको बेसिकली अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और पेंशन मिलेगा उसका स्पाउस को ठीक है एट्टी परसेंट बेसिकली डेथ होने के बाद ओनली जो विथड्रॉल होगा वो ट्वेंटी परसेंट हम विथड्रॉ कर सकते हैं एट्टी परसेंट अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और पेंशन मिलेगा ठीक है नोमिनी और लीगल हेयर को नेक्स्ट वन यदि आपका कॉर्पस फंड इक्वल टू फाइव लाख और लेस है

थर्ड ऑप्शन पेंशन फैमिली पेंशन है यदि ड्यूटी में कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट डिपार्टमेंट है अभी नोटिफिकेशन आया है ऑटोनोम बॉडी के लिए तो अभी फैमिली पेंशन मिलेगा यदि कंसर्न एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है फर्दर इफ द फैमिली मेंबर्स ऑप्ट फॉर फैमिली पेंशन यदि फैमिली मेंबर ऑप्ट करते हैं फैमिली पेंशन आज पर द रेगुलेशंस नोडल ऑफिस तो पूरा जो अकोमुलेटेड फंड है वो नोडल ऑफिस में जो बैंक अकाउंट है उसमें भेज दिया जाएगा और फिर उसको सेटल गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स के हिसाब से काम होगा और फैमिली पेंशन मिलेगा तो अभी फैमिली पेंशन उपलब्ध है और ग्रेचुअटी भी उपलब्ध है बेसिकली एनपीएस में ठीक है फैमिली पेंशन एंड ग्रेचुअटी अवेलेबल है तो डेथ केस में फैमिली पेंशन है डेथ केस में फैमिली पेंशन है डेथ हो जाता है कंसर्न का तो ड्यूटी के टाइम तो उस केस में क्या होगा ना जो भी भीटेड वेल्थ है वो नोडल ऑफिस का बैंक को पूरा भेज दिया जाएगा और फिर गवर्नमेंट डिरेक्टिव के हिसाब से फैमिली को पेंशन मिलेगा ठीक है और एजयूजल uh, uh, जिन, जिन जिनका एनपीएस है उनको ग्रेचुअटी एजूजल मिलेगा राइट मगर ओनली डेथ केस में फैमिली पेंशन मिलेगा राइट चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे प्री मैच्योर एग्जिट कभी कभी क्या है प्री मैच्योर एग्जिट जैसे वॉल्यूंटर रिटायरमेंट वो वॉल्यूंटर रिटायरमेंट भी प्री मैच्योर एग्जिट है तो प्री मैच्योर एग्जिट जैसे आप पूरा जॉब आपका कंप्लीट नहीं हुआ है बिफोर सिक्सटी आप सपोज आप रेजिग्नेशन दे दिया कि वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट में आप रिटायरमेंट ले लिया तो वो प्री एग्जिट है तो वहां पर क्या है

और ओनली आप ट्वेंटी परसेंट विदड्रॉ कर सकते हो और और एक चीज है बेसिकली प्री मैच्योर एग्जिट में ये बहुत है यदि आपका कॉर्पस टोटल कॉर्पस फंड इक्वल टू टू पॉइंट फाइव लाख और, और इससे लेस है तो आप कंप्लीट उसको विदड्रॉ कर सकते हो ओके अदरवाइज टू पॉइंट फाइव लाख से ज्यादा होगा तो uh, कॉर्पस फंड का 80 के परसेंट इन्वेस्ट होगा आपको पेंशन मिलेगा ओनली 20% परसेंट आप विथड्रॉ कर सकते हो यदि आपका फंड टू टू इक्वल इंपॉर्टेंट है तो डेथ केस में बता दिया और सुपरअन uh, और प्री मैच्योर एग्जिट क्लियर नेक्स्ट वन ऑप्शन फॉर एग्जिट फ्रॉम एनपीएस फॉर सब्सक्राइबर एट द टाइम ऑफ सुपर uh, एनिमेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है सब्सक्राइबर कैन डिसाइड टू रिमेन इन्वेस्ट इन इन एनपीएस अप टू इयर्स हम डिसाइड कर सकते हैं तो अप टू सेवेंटी इयर्स हम एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो बेसिकली आपको याद रखना है कि रिटायरमेंट के बाद आप यदि कंटिन्यू करना चाहते हो एनपीएस में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बेसिकली वहां पर तो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा तो अभी क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन और जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन वो हमारा जो नोडल ऑफिस है वो जमा करता है उस समय आप जो ये तो नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद आप इन्वेस्ट करना चाहते हो जो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस है पीओपी है आपका पास में वहां पर आप जाके आप आपका जो कंट्रीब्यूशन है आप जमा कर सकते हो ओके रिटायरमेंट के बाद और कोई ऐसा नोडल ऑफिस नहीं होगा ना तो आप खुद जमा करोगे ठीक है वहां पर तो जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा ना आप खुद जमा करोगे मगर कर सकते हो आप अपू सेवेंटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये सब्सक्राइबर कैन डिसाइड टू रिमेन इन्वेस्टेड इन एनपीएस टू सेवेंटी ईयर्स एनपीएस अकाउंट हम जो ओपन करेंगे एटीन टू सिक्सटी फाइव ईयर्स

कंटिन्यूएशन ऑफ एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर कैन कंटिन्यू टू कंट्रीब्यूटीएस अकाउंट बेऑन रिटायरमेंट टू सेवेंटीब्यूशन टैक्स बेनिफिट हमको मिलेगा तो अपू सेवेंटी इयर्स हम इन्वेस्ट कर सकते हैं मगर सिक्सटी ईयर के बाद में बताया आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आपका कंट्रीब्यूशन तो, तो आप नियरेस्ट पीओपी में जाइए आप जमा कीजिए वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफरमेंट ऑफ विथड्रॉल ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं रूल बताया था कि रिटायरमेंट के बाद जो हमारा एकोमोलेटेड वेल्थ है उसका सिक्सटी परसेंट हम विथड्रॉ कर सकते हैं ठीक है उसका सिक्सटी परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे और जो उसका मिनिमम फर्टी परसेंट अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और हमको पेंशन मिलेगा और डिफरमेंट ऑफ विथड्रॉल आप विथड्रॉल को डिफर कर सकते हो चाहे अभी आप ये डिसाइड किया कि मैं अभी जो मेरा जो है में विथड्रॉ कर सकता हूं मैं अभी विथड्रॉ नहीं करूंगा तो उसको आप डिफर कर सकते हो सब्सक्राइबर कैन डिफर जो ऑप्शन कि है जो अकोमलेटेड वेल्थ का 60 परसेंट हम विथड्रॉ नहीं करूंगा उसको डिफर करूंगा और 70 तक मैं इन्वेस्ट करूंगा तो सब्सक्राइबर कैन डिफर ओनली लॉन्सम सम विथड्रॉल ओके सब्सक्राइबर कैन डिफर ओनली लॉम सम विथड्रल और डिफर ओनली बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए जो को हम डिफर कर सकते हैं फर्स्ट वन डिफर कर सकते हैं long -sum, long -sum क्या है जो सिक्सटी परसेंट है एकोमोलेटेड वेल्थ का सिक्सटी परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे मगर हम नहीं किया उसको हम डिफर कर दिया अभी हम विनोइटी आपको याद है कि जब रिटायरमेंट बेसिकली रिटायरमेंट के बाद आपका मिनिमम फोर्टी परसेंटेड वेल्थ मिनिमम फोर्टी परसेंट एनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा मिनिमम के ऊपर इन्वेस्ट होगा मगर उसको आप डिफर कर सकते हो अभी आप डिसाइड नहीं किया तो अब, ये टू थ्री इयर्स आप डिफर कर सकते हो आप बोला कि मैं अभी एनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूँगा आप ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि फिफ्टीन डेज बिफोर रिटायरमेंट ये ऑप्शन आपको दिया जाएगा फिफ्टीन डेज बिफोर रिटायरमेंट ये आप ऑप्शन तो दे दिया कि मेरा जो फोर्टी परसेंट एक्चुअली शेयर के ऊपर मिनिमम फोर्टी परसेंट जो अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होना है मैं अभी नहीं करूंगा ठीक है तो उसको आप डिफर कर सकते हो थ्री ईयर्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है याद आया जो मिनिमम फोर्टी परसेंट अब अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो आप अभी उसको डिफर कर दिया क्योंकि आपको ऑप्शन देना है फिफ्टीन डेज बिफोर रिटायरमेंट आपको ऑप्शन देना है

डिफर कर सकते हो मगर अनवि शेयर को जो डिफर करोगे थ्री इयर्स जो मिनिमम फोर्टी परसेंट जो इन्वेस्ट करना था अनविटी शेयर के ऊपर आपको पेंशन मिलना चाहिए आप अभी डिफर कर दिया अप टू थ्री इयर्स आप डिफर कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली इयर्स के बाद आपको ये मैंडेटरी कंपलसरी है आपको मिनिमम फोर्टी परसेंट अनविटीज शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है और उसमें जो रिटर्न आएगा वही आपका पेंशन है ठीक है यदि रिटायरमेंट के बाद आप इमीडिएटली जस्ट फिफ्टीन डेज बिफोर रिटायरमेंट आप ऑप्शन दे दिया कि आप चूज कर लिया कि जो अनविटी सर्विस प्रोवाइडर है यह स्कीम के ऊपर मेरा जो मिनिमम फोर्टी परसेंट है इन्वेस्ट होगा और जो रिटर्न आएगा वो वही पेंशन होगा आप ऑप्शन दे सकते हो मगर आप डिफर कर दिया तो वो जो डिफर होगा वो थ्री इयर्स के लिए होगा थ्री इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली मांडा टोरी आपको अनविटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है और आपको पेंशन मिलेगा ठीक है और जो लॉन्गसम विथड्रॉल है मैक्सिमम सिक्सटी उसको आप डिफर कर सकते हो जो 60% आपको विथड्रॉ करना था मैक्सिमम 60% विथड्रॉ करना था आप उसको भी डिफर कर सकते हो अप सब्सक्राइबर डज नॉट विश टू कंटिन्यू डिफर एनपीएस अकाउंट यदि आप डिफर नहीं करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा इनिशिएट एग्जिट रिक्वेस्ट ऑनलाइन एंड एस पर एनपीएस एग्जिट गाइडलाइन स्टार्ट रिसीविंग पेंशन तो आप क्या किया जस्ट फिफ्टीन डेज बिफोर रिटायरमेंट आप ये ऑप्शन दे दिया कि मैं एग्जिट करना चाहता हूं तो ऑटोमेटिकली मिनिमम फोर्टी परसेंट आप दीजिए मिनिमम फोर्टी परसेंट ये मिनिमम फोर्टी परसेंट आपको याद रखना है ये है मिनिमम उससे ज्यादा आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये आपके ऊपर डिसाइड डिसाइड इन्वेस्ट करोगे तो uh, 60 आप कर सकते हो सिक्स यहां पर है, आप ये किया कि मैं 50 के इन्वेस्ट करूंगा तो आप अकोमलेटेड वेल्थ का फिफ्टी परसेंट विथड्रॉ कर सकते हो कि आप डिसाइड किया कि जो अक्यूमोलेटेड वेल्थ है उसका सिक्सटी परसेंट आप शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और फोर्टी परसेंट विथड्रॉल करोगे तो ऑप्शन हो सकता है मगर जो रूल है रिटायरमेंट के बाद मिनिमम फोर्टी परसेंट आपको इन्वेस्ट करना है और जो मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट है आप विथड्रॉ कर सकते हो आप एग्जिट ऑप्शन दे देते हो तो ठीक है आप डिफर नहीं किया तो ये रूल है राइट चलो ठीक है नेक्स्ट कैन सब्सक्राइबर विथड्रॉ इन फेस्ड मैनर जो रिटायरमेंट के बाद जो हमारा ऑप्शन है रिटायरमेंट के बाद हम जो मैक्सिम सिक्सटी परसेंट हम रिटायरमेंट के बाद हमारा जो वेल्थ है उसका मैक्सिम सिक्सेंट हम विथड्रॉ कर सकते हैं मगर हम एक ही टाइम में नहीं करेंगे हम फेस्ड मैनर में करेंगे तो यहां पर जो रूल है टेन इंस्टॉलमेंट्स में हम कर सकते हैं अप टू सेवेंटी ओके आपका सिक्सटीर्स कंप्लीट हो गया अप टू सेवेंटी के अंदर जो आपका विथड्रॉल है सपोज आप डिसाइड किया कि जो वेल्थ का जो सिक्सटी परसेंट है आप विद्रॉ करोगे मगर फेज मैनर में विद्रॉ करोगे तो उसको मैक्सिमम टेन अप टू टेन इंस्टॉलमेंट्स में आप विद्रॉ करोगे अप टू एज ऑफ सेवेंटी भाई दे दिया फैसिलिटी ऑफ फेज विथ इज अवेलेबल फॉर सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर कैन ऑप्ट फॉर विथ ड्रॉल ऑफ लॉन्स अमाउंट इनर अप टू टेन इंस्टॉलमेंट्स अप टू टेन इंस्टॉलमेंट्स ओवर द पीरियड फ्रॉम सिक्सटी ईयर टू सेवेंटी ईयर्स ओके okay, मगर ये जो फेस्ड मैनर में आप बेसिकली विथड्रॉ करोगे उसके पहले आपको अनविटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है बेसिकली आप डिसाइड किया कि जो मिनिमम फोर्टी परसेंट है आप शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो ये ऑप्शन देना है आपको फर्स्ट अनविटी शेयर के ऊपर जो मिनिमम फोर्टी आप इन्वेस्ट करोगे उसका ऑप्शन देने के बाद आप फेस्ड मैनर में आप जो आपका जो मैक्सिमम एकोमुलेटेड सम आप विथड्रॉ कर सकते हो उसको विथड्रॉ कर सकते हो फेज मैनर में और यहां पर जो रूल है तो जो आपका हमारे लिए जो ऑप्शन है कि एकोमोलेटेड वेल्थ का सिक्सटी परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे तो उसको फेस्ड मैनर में करेंगे तो अप टू टेन इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम सिक्सटी टू सेवेंटी के अंदर अप टू टेन इंस्टॉलमेंट्स में हम विथड्रॉ करेंगे और तो फेस्ड मैनर में जो विथड्रॉ करेंगे उसके पहले हमको हमारा जो मिनिमम मिनिमम फोर्टी परसेंट एकोमोलेटेड वेल्थ है हम अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए ऑप्शन दे देंगे वही दिया है सब्सक्राइबर हैज टू बाय However, subscriber has to buy annuity prior to withdrawal. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेन इंस्टॉलमेंट्स है फेस्ड मैनर में हम विथड्रॉ करेंगे एक ही टाइम में हमारा जो एकोमोडेटेड uh, वेल्थ का सिक्सटी परसेंट हम एक ही टाइम में विथड्रॉ नहीं करेंगे उसको फेस्ड मैनर में करेंगे तो सिक्सटी टू सेवेंटी के अंदर हमको अप टू टेन इंस्टॉलमेंट्स में हम विथड्रॉ कर सकते हैं मगर जब फेस्ड मैनर में हम ऑप्शन देंगे ना उसके पहले हमारा जो अकोमोडेटेड वेल्थ का मिनिमम फोर्टी परसेंट हम अन शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ठीक है चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे थोड़ा अनुटी के ऊपर देखेंगे इन द कंटेस्ट ऑफ एनपीएस अनुइटी रिफर टू दंथली सम रिसेंट तो अनुई के ऊपर जो है आप जब कोई शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया जो अनुई सर्विस प्रोवाइडर्स है आई आर डी ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी आई आर डी ए आ, IRDA, उसके अंडर में आपका सर्विस प्रोवाइडर से इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर से तो उस हम अनुइटी जो शेयर्स है वो शेयर्स के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें जो रिटर्न आएगा वही हमारा पेंशन होगा वही हमारा इनकम होगा तो वही दिया इन द कंटेस्ट ऑफ एनपीएस पी अनुइटी रिफर्स टू द मंथली सम रिसीव्ड बाय द सब्सक्राइबर फ्रॉम द अनवइटी सर्विस प्रोवाइडर जो भी आई डी के अंडर ठीक है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर है उनका शेयर के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे और मंथली जो, भी रिटर्न आएगा वो हमारा मंथली पेंशन होगा तो परसेंटेज में बता चुका हूं प्री मैच्योर एग्जिट में प्री मैच्योर एग्जिट में जैसे वॉल्यूमटर रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन आप दे दिया तो उसके इसमें आपका जो अकोमुलेटेड वेल्थ है एट्टी परसेंट आप शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे और आपको मंथली पेंशन मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद मिनिमम फोर्टी परसेंट ऑफ द एकोमोलेटेड वेल्थ आप इन्वेस्ट करोगे और आपको पेंशन मिलेगा वही चीज में लिख दिया यहां पर ओके okay, वही है तो यहां पर बेसिकली जो सर्विस प्रोवाइडर से जो आपको याद रखना है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो अनिटी सर्विस प्रोवाइडर्स तो है तो चाहे जैसे एस है एस पेंशन है कि एल पेंशन है कि यू रिटायरमेंट बेसिकली पेंशन सोल्यूशन है तो ये जो पेंशन फंड मैनेजर है तो जो भी अनविटी सर्विस प्रोवाइडर्स आई के अंडर आते हैं उनका शेयर के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे और मंथली पेंशन हमको मिलेगा प्री मैच्योर एग्जिट में हमारा एक्यूमलेटेड वेल्थ का 80 परसेंट अनविटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा हमको मंथली पेंशन मिलेगा और सुपर अनवेशन बेसिकली रिटायरमेंट के बाद मिनिमम फोर्टी परसेंट अनविटीड शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और पेंशन मिलेगा ठीक है ये पार्ट क्लियर हो गया और डिफॉर्मेंट ऑफ अनविटी में बताया था कि रिटायरमेंट के पहले जो 15 डेज बिफोर द रिटायरमेंट आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एग्जिट करना चाहते हो ना आप डिफर करोगे सपोज आप ऑप्शन दे दिया कि मैं अभी अनविटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगा आपको इमिडिएटली जो मिनिमम फोर्टी परसेंट है आपको डिसाइड करना है जो डिफरेंट स्कीम है कौन सा स्कीम को चूज करके आपको इन्वेस्ट करना है मगर अभी आप डिफरमेंट स्कीम में चले गए कि अभी मैं अनवि मेरा जो मिनिमम फोर्टी परसेंट वेल्थ है मैं अभी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करूंगा तो उसको हम डिफर कर सकते हैं थ्री इयर्स वही दे दिया परचेज कैन बी डिफर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ थ्री थ्री के लिए हम डिफर कर सकते हैं कि अभी हम अनुटी जो मिनिमम हमारे जो थे, उसका जो मिनिमम फोर्टी परसेंट हम इन्वेस्ट करेंगे अभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे आ, तो बेसिकली हम उसको डिफर करना चाहते हैं मगर जो डिफर करेंगे उसको थ्री इयर्स के लिए डिफर करेंगे ओके okay, उसके बाद ऑटोमेटिकली मैंडेटोरी है आपको सेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है, writing. आपको writing देना है 15 तो सब्सक्राइबर कि मैं अभी जो अकोमलेटेड uh, वेल्थ का मिनिमम 40 परसेंट अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट uh, होना चाहिए मैं अभी इन्वेस्ट नहीं करूंगा उसको मैं डिफर करना चाहता हूँ ठीक है ये देना है एप्लीकेशन इज बाय द एसोसिएटेड नोडल ऑफिसर इन द क्रा सिस्टम। तो आप जब एप्लीकेशन दे दोगे जो आपका नोडल ऑफिसर है वो भी क्रा को इन्फॉर्म कर देगा इफ द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर ऑफकोर्स बिफोर सच ड्यू डेट ऑफ परचेज ऑफ एन एन्युटी आफ्टर द डिफरमेंट सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट है सपोज इसमें क्या है सपोज आप डिफर कर दिया है ओके कॉन्सर्न एम्प्लॉय ने जो एप्लीकेशन दे दिया है कि मेरा जो अनविटेड शेयर के ऊपर जो मैं इन्वेस्ट करूंगा उसको वो डिफर कर दिया मगर उसमें डेथ हो गया आप स्कीम चूज नहीं किया है क्योंकि आप डिफर कर दिया डिफर कर दिया मीन्स अप टू थ्री ईयर्स नहीं कि रिटायरमेंट के बाद तीन साल तक मैक्सिमम अप टू थ्री ईयर्स आप डिफर कर सकते हो सपोज उसमें कंसर्न एम्प्लॉ का डेथ हो गया तो उसके इसमें क्या होगा उसका स्पाउस को ओके द अनोइटी साल साल मांडाटोरली भी परचेज बाय द स्पाउस तो स्पाउस को मांडाटोरिल अनुइटी uh, को परचेज करना है अनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करना है और उसको पेंशन मिलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं यदि डेथ हो जाता है आप डिफरमेंट ऑप्शन दे दिया सपोज वो डिफरमेंट तो मैक्सिमम थ्री ईयर्स होगा आप डिफरमेंट ऑप्शन दे दिया मगर डेथ हो गया तो उस केस में ऑटोमेटिकली स्पाउस ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा ना मांडाटोरीली अनोईटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेगा और पेंशन मिलेगा राइट अभी टैक्स बेनिफिट्स के ऊपर देखेंगे टैक्स बेनिफिट में आपको जो हमारा कंट्रीब्यूशन है जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो 10% ऑफ सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस एनपीए तो हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 80 सीसीडी 1 में आएगा सेक्शन 80 सीसीडी 1 मगर वो 80 सी जो है 1.5 लाख बेनिफिट होता है 80 सी में मैक्सिमम 1.5 लाख एग्जम्पशन होता है 80 सी में एटीसी में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन हमारा जो कंट्रीब्यूशन टेन परसेंट ऑफ सैलरी होता है वो लाख के अंदर आएगा और सेक्शन क्या होगा सेक्शन AT, में समझा का कंट्रीब्यूशन आएगा मगर वो किस में जाएगा एटीसी के अंदर जाएगा जो मैक्सिमम वन पॉइंट फाइव लाख एक्चुअली टैक्स एग्जम्सन है राइट right? और बेसिकली फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2015-16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से वो क्या हुआ एक सेक्शन आ गया एन बी हम प्राइवेटली मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसमें हमको छूट मिलेगा तो वहां पर ए सी के अंडर आ गया एन जो हमारा कंट्रीब्यूशन वहां पर वन पॉइंट फाइव लाख के अंदर आ गया ए सी में और यहां पर हम प्राइवेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइवेटली हम खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम फिफ्टी थाउजेंड ओके okay, किस लिए हम इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि टैक्स एक्जेंशन मिलेगा तो वो जो सेक्शन आएगा ए टी सी बी तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ए टी सी सी आप इंडिविजुअली इन्वेस्ट करना चाहते हो अप टू फिफ्टी थाउजेंड वो ए टी सी सी बी में आएगा तो अभी टू लाख बेनिफिट्स हो गया क्योंकि वहां पर ए सी के जो ए सी में मैक्सिमम वन लाख टैक्स एक्जम्शन होता है वहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन आ गया ए टी सी और यहाँ पर आप एक्स्ट्रा फिफ्टी इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर ए टी सी बी में आ गया ठीक है और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है 14%, वो 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 सेक्शन में आएगा वो अलग होगा पर लाख के अंडर आ गया का कंट्रीब्यूशन और एक्स्ट्रा फिफ्टी थाउजेंड इन्वेस्ट करते हो तो वो एटीसी वन बी में आएगा टू लाख हो गया और उसके बाद जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है जो सैलरी का फोर्टीन परसेंट गवर्नमेंट देता है वो कंट्रीब्यूशन एटीसीडी टू अलग वो डेबिट होगा डायरेक्टली उसमें उसके ऊपर टैक्स एक्जन होगा ठीक है रिवे सेक्शन एटीसी तो जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है एटी सी सी डी टू और आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एटीसीडी वन वो 80C वन पॉइंट फाइव लाख के अंदर आ गया एक्स्ट्रा आप इन्वेस्ट करते हो फिफ्टी थाउजेंड वो ए टी सीसीडी वन बी में आ गया तो वहां पर आपको टू लाख बेनिफिट मिल गया उसके अलावा जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ए सी सी डी टू में आएगा ठीक है और वो आ, अलग तरीके से माइनस होगा ठीक है या जो पार्शियल विथड्रॉ करते हो ना पार्शियल विथड्रॉल तो हमारा सर्विस कैरियर में हम थ्री टाइम्स पार्शियल विथड्रॉल का फैसिलिटी हमको मिलता है वो टैक्स फ्री है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा टैक्स फ्री है ठीक है और लॉन्ग सम विथड्रॉल केस में जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जो हमारा एकोमोडेटेड सम का हम सिक्सटी परसेंट विथड्रॉ करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा कि जो मिनिमम फोर्टी परसेंट हम अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा मगर जो मिनिमम फोर्टी परसेंट हम अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और जो पेंशन मिलेगा वो हमारा इनकम हो गया ना वो उसके ऊपर टैक्स लगेगा जो इनकम फोर्टी परसेंट जो सम अकोमोलेटेडम फोर्टी परसेंट अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा और जो आप मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट ऑफ एकोमलेटेड वेल्थ को आप विथड्रॉ करते हो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा समझ में आ गया इनकेस ऑफ सुपरसन सिक्सटी परसेंट ऑफ द टोटल पर्पज कैन बी विथ डन इी वन वाइल फोर्टी परसेंट विल बी यूज टू बायुइटी फॉर पेमेंट ऑफ मंथली पेंशन और यहां पर जो मंथली पेंशन होगा वो इनकम हो गया ना उसके ऊपर टैक्स लगेगा मगर जो मिनिमम फोर्टी परसेंट जो अनुइटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा मगर जो इनकम मिलेगा मंथली पेंशन मिलेगा वो हमारा इनकम हो गया उसके ऊपर टैक्स लगेगा पेंशन रिसिव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनुइटीड इनकम वही दे दिया पेंशन रिसिव्ड आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अनुट इजेड एज इनकम एंड विल बी टैक्स एकडिंगली ओके और जो टायर टू है टायर टू अकाउंट जो है वो अलग है जैसे आपका टायर वन जो अकाउंट आपका एक्टिव है जो हमारा बेसिकली जो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है हमारा जो अकाउंट चलता है टायर वन है आप टायर टू अकाउंट टायर वन अकाउंट एक्टिव है तो टायर टू आप ओपन कर सकते हो और उसमें जो जमा करोगे उसको आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो समझा रहे हैं कि नहीं तो जो टायर टू में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसमें कोई टैक्स एग्जेपन नहीं है टैक्स का छूट नहीं है टायर टू में और जब तक तो आपका टायर वन अकाउंट एक्टिव है टायर वन अकाउंट हमारा जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉज है ना हमारा जो अकाउंट है टायर वन है टायर टू आप खुद इन्वेस्ट करोगे टायर टू में जब तक तो टायर वन अकाउंट एक्टिव है तब तक टायर टू अकाउंट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो जब आपका आप एग्जिट कर जाओगे एनपीएस से आपका टायर वन टायर वन अकाउंट बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका टायर टू अकाउंट भी इनएक्टिव हो जाएगा मगर टायर टू अकाउंट में आप खुद इन्वेस्ट करोगे जो भी इन्वेस्ट करोगे आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हो और उसमें जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसमें आ, कोई टैक्स बेनिफिट व कोई टैक्स एग्जम्सन नहीं है अभी देखेंगे टायर टू अकाउंट के ऊपर यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि टायर टू अकाउंट हमारा टायर वन अकाउंट इनएक्टिव है तो टायर टू अकाउंट भी माने चल सकता है तो देखेंगे टायर वन अकाउंट टायर वन हमारा जो भी हम सब हमारा टायर वन अकाउंट है टायर वन अकाउंट एक्टिव है तो हम टायर टू अकाउंट ओपन कर सकते हैं उसमें पैसा इन्वेस्ट हम खुद करेंगे Uh, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे और उसमें जो रिटर्न आएगा uh, उसमें टैक्स एग्जेपन नहीं होगा देर आर नो ऑन ये दे दिया ना देर आर नो ऑन फ्रॉम टायर टू अकाउंट टायर टू ठीक है टायर टू अकाउंट में जो भी हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे ना उसको कभी भी हम विथड्रॉल कर सकते हैं ठीक है सब्सक्राइबर कैन कंटिन्यू ये दिया है बहुत इंपॉर्टेंट सब्सक्राइबर कैन कंटिन्यू टावर टू अकाउंट टिल द टायर अकाउंट इज एक्टिव जब तक आपका टायर वन अकाउंट एक्टिव है तब तक टायर टू अकाउंट चलता रहेगा ठीक है योर टायर टू अकाउंट विल ऑल्सो क्लोज ओके विल ऑल्सो क्लोज वंस वी रिक्वेस्ट फॉर क्लोजर ऑफ टायर जब आपका टायर वन अकाउंट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली टायर टू अकाउंट बंद हो जाएगा और टायर टू अकाउंट में जो भी पैसा है वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट को ट्रांसफर हो जाएगा तो आपको याद रखना है जो हमारा सब अकाउंट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉज जो अकाउंट है वो टायर वन है टायर टू अकाउंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है जब तक हमारा टायर वन अकाउंट चलता रहेगा टायर टू भी चलता रहेगा और टायर टायर अकाउंट में जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे हम विथड्रॉ कर सकते हैं और जब हम एनपीएस से एग्जिट कर जाएंगे हमारा टायर वन अकाउंट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली टायर टू अकाउंट भी इनएक्टिव हो जाएगा तो उसके इसमें कुछ पैसा है टायर टू अकाउंट में तो वो ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ठीक है और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को चलेंगे सब्सक्राइबर कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ डिफरमेंट आफ्टर ऑप्टेनिंग द कंटिन्यूएशन ऑप्शन यदि एक बार आप कंटिन्यूएशन ऑप्शन दे दिया तो उसके बाद आप डिफरमेंट ऑप्शन नहीं दे पाओगे डिफरमेंट ऑप्शन में बताया था रिटायर बिफोर रिटायरमेंट 15 डेज बिफोर रिटायरमेंट आपको एप्लीकेशन देना है ऑफिस में कि मैं डिफर करना चाहता हूं मेरा जो मिनिमम 40 परसेंट अकोमोडेटेड शेयर जो शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा अभी वो डिफर होगा कि मैं जो मेरा जो मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट जो विथ ड्रॉल है हमारा अकोमलेटेड सम का रिटायरमेंट के बाद हम मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट विथ ड्रॉल करेंगे उसको हम भी डिफर कर सकते हैं तो इसके लिए अप्लीकेशन हमको देना पड़ेगा और एक बार हम कंटिन्यू ऑप्शन दे दिया मीन उसके बाद हम डिफर नहीं कर सकते तो सब्सक्राइबर कैनॉट एक्सरसाइजन ऑफ डिफरमेंट लॉन्ग समी आफ्टर ऑप्टेनिंग द कंटिनुएशन ऑप्शन ऑप्शन के बाद हम उसको डिफर नहीं कर सकते ठीक है नेक्स्ट वन इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट आई आर डी ए मैं बताया था रेगुलेटेड इंश्योरेंस कंपनीज विच आर एम्पेनल्ड बाय पी एफ आर डी ए टू प्रोवाइड अनुटी सर्विसेज टू द एन पी एस सब्सक्राइबर्स जो आई आर डी ए है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके अंडर में जो एन पी एस जो अनुईटी सर्विस प्रोवाइडर्स है उनका शेयर्स के ऊपर हम इन्वेस्ट करेंगे और हमको मंथली पेंशन मिलेगा राइट right. तो वो एम्पेनल्ड है पी एफ आर डी ए पेंशन फंड रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो अनुटी सर्विस प्रोवाइडर्स रेगुलेटेड अंडर आई आर डी ए वो एम्पेनल्ड है उनका शेयर के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा ओके उनका इक्विटी शेयर के ऊपर पैसा इन्वेस्ट होगा और हमको मंथली पेंशन मिलेगा राइट इन द कंटेस्ट ऑफ एनपीएस अभी मैं बताया था जो वॉल्यूमटरी रिटायरमेंट है वो प्री मेच्योर एग्जिट है प्री मैच्योर एक्जिट में वॉल्यूमटरी रिटायरमेंट रेजिग्नेशन ये सब प्री मैच्योर एक्जिट है एग्जिट में क्या है जो हमारा एकोमोडेटेड सम है उसका 80 परसेंट हम अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे और हमको पेंशन मिलेगा 20 परसेंट हम विथड्रॉ करेंगे 80 20 आपको याद रखना है ओके okay, एग्जिट में और प्री मैच्योर एक्जिट में यदि आपका टोटल कर्पज फंड इक्वल टू टू पॉइंट फाइव लाख है और उससे कम है हम पूरा विथड्रॉ कर सकते हैं ये डिस्कस में कर चुका हूं इनकेस ऑफ प्री मैच्योर एक्जिटी स्टार्ट इमीडिएटली प्री मैच्योर एक्जिट में मैं अभी बताया था प्री मैच्योर इट मीन एक्जिट में आपको जो कर्पस फंड है उसका 80 परसेंट हम अनविटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो इमिडिएटली स्कीम चूज करना है और उसके आपका जो अकोमोडेटेड ऑप्शन देना है इसी स्कीम में इन्वेस्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली आपका अकोमोडेटेड सम का एट्टी परसेंट शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा तो आपको पेंशन मिलेगा मंथली पेंशन मिलेगा राइट और यदि आपका जो कॉर्पस फंड है इक्वल टू ट्वेंटी फाइव लाख है कि लेस देन टू पॉइंट फाइव लैक्स है तब तो आपको पूरा विथड्रॉल आप कर सकते हो ठीक है इनकेस ऑफ सुपर अनवेसन एंड प्री मैच्योर एग्जिट सब्सक्राइबर कैन परचेज ओनली वन स्कीम विच आर अवेलेबल विथ रिस्पेक्टिव अन सर्विस प्रोवाइडर तो कोई भी एक स्कीम को आप चूज करोगे ओके जो अन जो ए के पास जो स्कीम है उसमें एक स्कीम आप चूज करोगे और उसके ऊपर आपका इन्वेस्ट होगा प्री मैच्योर एग्जिट में मैक्सिमम एट्टी परसेंट यू नो प्री मैच्योर एग्जिट में एट्टी परसेंट मिनिमम एट्टी परसेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन्वेस्ट होगा और सुपर uh, एनवेसन के बाद मिनिमम फोर्टी परसेंट एक्यूमुलेटेड वेल्थ इन्वेस्ट होगा तो स्कीम है एक स्कीम आपको चूज, चूज करना है ठीक है और हाउ इन केस ऑफ डेथ स्पाउस वो चूज करेगा स्पाउस टू परचेज डिफॉल्ट एनमेट स्कीम तो डेथ केस में डिफॉल्ट uh, स्कीम है ऑटोमेटिकली चूज uh, कर दिया जाएगा मगर जब जो सुपर एनुएसन प्री मैच्योर एग्जिट केस में जो जो भी स्कीम है कंसर्न एम्प्लॉय वो चूज करेगा मगर डेथ होने के बाद ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट स्कीम जो है वो ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट स्कीम जो है अनुटी स्कीम है उसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाएगा और अभी तो आप फैमिली मेम्बर्स ऑप्ट किया है आप ऑप्ट आप किया है जैसे पेंशन स्कीम तो आपको डेथ केस में पेंशन मिलेगा फैमिली पेंशन मिलेगा एज यूजल ओल्ड पेंशन के हिसाब से ठीक है फैमिली पेंशन मिलेगा बेसिकली uh, जो ओल्ड पेंशन रूल है उसके हिसाब से डेथ केस में मिलेगा और अभी सभी केस में तो ग्रेचुअटी मिलेगा राइट चलो नेक्स्ट वन वास्टी इज परचेज द ऑप्शन ऑफ कैंसलेन और री इन्वेस्टमेंट विद अनदर अनुइटी सर्विस प्रोवाइडर और इन अदर अनुटी स्कीम्स नॉट बी अलाउड द सेम इज विद इन द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड और ये देखिए एक बार आप चूज कर दिया आप एक बार एक स्कीम चूज कर दिया कि इसी स्कीम में मेरा अनविटी शेयर इन्वेस्ट होगा तो उसको जो पीरियड है जो लुक पीरियड है उसके अंदर होता है तो आप चेंज कर सकते हो ओके जो लुक पीरियड सपोज बेउंड चला गया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते जो आप स्कीम इसी स्कीम में आ, प्री मैच्योर एग्जिट में 80 परसेंट की जो सुपर अनुशन के बाद जो 40 परसेंट आप इन्वेस्ट करोगे अनविटी शेयर के ऊपर तो आप लुक पीरियड होगा ओके okay, वो वो जो पीरियड के अंदर आप चेंज कर सकते हो एक बार एक स्कीम चूज कर दिया आ, उसी के जो पीरियड आपको दिया है एक एक स्टिपुलेटेड पीरियड उसके अंदर आप चेंज कर सकते हो और स्टिपुलेटेड पीरियड चला गया तो आप चेंज नहीं कर सकते वही दिया है ठीक है लॉन्ग डिफरमेंट ऑप्शन यहां पर जो दिया है प्री मैच प्री मैच्योर एग्जिट केस में आपको कोई डिफरमेंट ऑप्शन नहीं दिया जाएगा जैसे अभी रिटायरमेंट केस में क्या है आप जो अनुटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करोगे मिनिमम फर्टी परसेंट उसको आप डिफर कर सकते हो कितना इयर्स के लिए थ्री इयर्स के लिए कि आपका जो विथड्रॉल है विथड्रॉल कितना है एकोमोलेटेड सम का मैक्सिमम सिक्सटी परसेंट आप विथड्रॉ करोगे तो उसको भी डिफर कर सकते हो डिफर कर सकते हो और सेवेंटी के अंदर आप टेन अप टू टेन इंस्टॉलमेंट्स में फेस्ड मैनर में उसको विथड्रॉ कर सकते हो मगर वो ऑप्शन आपको प्री मैच्योर एग्जिट में नहीं मिलेगा ना आप इमीडिएटली प्री मैच्योर एग्जिट में चाहे आप रेजिग्नेशन दे दिया भल्ली रिटायरमेंट ले लिया तो इमीडिएटली आपको जो आपका एकोमोडेटेड सम का 80 परसेंट इमिडिएटली आपको चूज करना है मानोइटी सर्विस प्रोवाइड कर जो डिफरेंट स्कीम से एक स्कीम को चूज कर करके इमीडिएटली इन्वेस्ट होगा और आप जो ट्वेंटी है अकोमलेटेड सम का आप वो करोगे उसको आप डिफर नहीं कर सकते नेक्स्ट वन सब्सक्राइबर कैन नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ डिफरमेंट आफ्टर ऑप्टेनिंग द कंटिन्यूएशन ऑप्शन यदि आप एक बार कंटिन्यूएशन ऑप्शन आप दे दिया तो उसके बाद आप डिफर नहीं कर सकते ओके okay, जो अनुइटी चाहे अनुइटी हो कि चाहे आप जो विथ जो है लॉन्ग सम विथ है आप उसको डिफर नहीं कर सकते वन एक बार कंटिन्यू कंटिन्यूएशन ऑप्शन दे दिया तो क्लोजर ऑफ एनपीएस बिफोर रिटायरमेंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द करप कैन बी टैक्स फ्री वन इसको आपको ध्यान देना है कि प्री मैच्योर एग्जिट में टैक्स के ऊपर जो प्री मैच्योर एग्जिट में क्या है आपका जो सम है उसका 20 आप विथड्रॉ करोगे वो टैक्स फ्री होगा और जो रिमेनिंग एट्टी परसेंट आपका शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा मगर जो मंथली पेंशन मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा ठीक है और परचेज ऑफ अन्विटी बेसिकली अमाउंट इन्वेस्टेड इन परचेज अब इज फुली एक्जम फ्रॉम टैक्स जैसे रिटायरमेंट के बाद मिनिमम फर्टी परसेंट एकोमोलेटेड सम अनविटी शेयर के ऊपर इन्वेस्ट होगा और ये जो फोर्टी परसेंट इन्वेस्ट हुआ ना उसके ऊपर टैक्स फ्री है उसके ऊपर जो इनकम मिलेगा उसके ऊपर टैक्स लगेगा है अनविटी इनकम है अनविटी इनकम विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स करेंटली ये चे जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है मैं बोला था अप्रैल वन अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन अप्रैल वन टू थाउजेंड नाइनटीन के बाद हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं पहले नहीं था वो डिफॉल्ट स्कीम था जैसे बोला था जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एस बी आई यू टी आई एल आई सी तो डिफॉल्ट स्कीम था और अभी हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं और उसको ईयरली ट्वाइस हम चेंज कर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईयरली हम ट्वाइस इसको चेंज कर सकते हैं जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को हम चेंज चेंज कर सकते हैं और अभी जैसे ओल्ड पेंशन में हमको ग्रेचुअटी मिलता है ठीक है ओल्ड पेंशन में जैसे हमको ग्रेचुअटी मिलता है अभी भी ग्रेचुअटी एनपीएस स्कीम में ग्रेचुअटी भी मिलेगा डायरेक्ट डिपार्टमेंट में वो तो लागू हो चुका है और ऑटोनोमस में अभी लेटर आया था अभी तक कुछ कुछ डिपार्टमेंट में आया है और कुछ डिपार्टमेंट नहीं आया है मगर अभी गवर्नमेंट परमिशन दिया है कि जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम में ग्रेचुअटी मिलता है अभी भी एनपीएस में ग्रेचुअटी मिलेगा और डेथ केस में फैमिली पेंशन मिलेगा राइट तो ये पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में दे दिया प्लीज माई फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल असिद गवर्नमेंट टुल गुरु एंड डेफिनेटली इन सब्सिक्वेंट एंड पोस्टरिंग टाइम आई विल ब्रिंग सम गुड वीडियोज एंड जस्ट यू गो थ्रू द वीडियो टिल द एंड यू कैन गेट नाइस इंफॉर्मेश्स एंड इट वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर एग्जाम एंड ऑल्सो वाई केस सो यू मस्ट हैव कमांड ओवर द इन पीस इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन सो मई फ्रेंड्स प्लीज शेयर माई वीडियो कमेंट माई वीडियो एंड लाइक माई वीडियो so always uh, i welcome to your comment and uh, according to this uh, i will try to modify my video so thank you namaskar and pranam to all of you again i will meet you thank you